ये लोग बोलते हैं ना लड़कियों को विदेश में ऐसा अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अपने ऊपर होता है। आप कैसे उस पे भी किसी भी पैसे की जितने भी पैसे की जरूरत हो जाए गलत कदम कोई उठाना, मेहनत पे खाना चाहिए। क्योंकि कई लड़कियां ऐसे होते हैं पैसे के लिए गलत रास्ता चुनते हैं, तो और बहुत दिनों से डिमांड आ रही है कतर में क्या लड़कियां जॉब करती हैं, अगर जॉब करती हैं तो वो लोग कैसे यहां पे आती हैं और उनकी कितनी शैली होती है और क्या वो यहां पे आने के बाद उनको कैसा लगता है, तो लेडीज़ के लिए कतर कैसा है। तो मेरे पीछे यहां पे एक पिज्ज़े की शॉप है, तो यहां पे लड़कियां हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के आप लोग की बात कराते हैं। हेलो, हाय, कैसी हो? ठीक हो? ठीक है, दो मिनट के लिए बाहर आओगी? हाँ, चलिए आप आ रही है। एक ये बहन मेरी यहाँ पे भी खड़ी है। हेलो, तो आप कहाँ से? मैं भी नेपाल से हूँ। तो ये मेरी छोटी सी बहन है, नेपाल की है। तो अभी हमें पता नहीं है कि ये कितना टाइम हुआ क्या नहीं हुआ, तो इनसे हम बात करेंगे और आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे जो लड़कियाँ कतर आना चाहती हैं और जो मतलब वहाँ पे आदमी लोग सोचते हैं वहाँ पे लड़कियाँ जाके कैसे रहती हैं, क्या है, सेफ है कि नहीं है। तो आज ये बहनें मेरी दो ठो आप लोग को सब बताएंगी। तो ये मेरी दोनों बहन की तरह हैं, छोटी बहनें मेरी। तो हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि और जो लड़कियां हैं ना इंडिया में, मेरे तो क्वेश्चन आता है कि कतर में क्या लड़कियां जॉब कर सकती हैं, और जो ये वीडियो अगर घर वाले भी उनको देखेंगे तो उनको क्या फील होगा कि भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। तो आप लोग जेन्युइन ओरिजिनल बात बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप नेपाल काठमांडू से? आपने तो आप अपना पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम मधु है। मधु, और आपका? मेरा नाम एलिजा। एलिजा, एलिजाबेथ, एलिजा राय, एलिजा राय, एलिजा राय राय। तो सिस्टर, आप लोग को यहाँ पे कितना टाइम हो गया कतर में? 5 महीना। 5 महीने। तो आप लोग यहाँ जब कतर पहली बार आई हैं तो कैसे मतलब आना हुआ आप लोग का कतर? मतलब किसी ने बताया था कि वहाँ जॉब करना है, कि आप लोग को शौक था कि बाहर जाएंगे कंट्री में? हाँ, बाहर जाएंगे ऐसा था, तो हम मेन पावर से अप्लाई करके आए। अच्छा, और आप? हाँ, इधर में से मेरा सिस्टर के थ्रू से मैं इधर आई थी। अच्छा, तो सिस्टर ये बताओ आप, आपने कितनी एजुकेशन है आपकी? मेरा तो ज़्यादा नहीं है, मैंने हाई स्कूल ही। हाई स्कूल किया, और आपने? मैं 12 जब पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते आ गई। ये 12 पढ़ते पढ़ते आ गई, ये हाई स्कूल करी ने? नहीं, इसमें कोई वो नहीं है ना, लोगों को पता करना चाहिए। एजुकेशन मायने नहीं रखती, आपका टैलेंट मायने रखता है, और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आप लोग यहाँ काम कर रही हो, अपनी फैमिली के लिए कर रही हो, अपना शौक भी यहाँ मार के करती होगी, हमको पता है, सही है ना? अभी इन लोग को 5 महीने हो गए हैं और 5 महीने से आए, तो पहले तो बताइए, जब आप मेन पावर में गई हैं तो किसी के साथ गई थी, भाई आई के साथ, कि आप डायरेक्ट आपने नेट पे देखा था या कहीं से वो मेन पावर देखा था? नेट पे देखा था। मेन पावर तो कहाँ पे? काठमांडू में ये मेन पावर, अगर कोई काठमांडू में देखना चाहे। क्या नाम है ऑफिस का? वाइट आर्ट्स। अच्छा, तो वहाँ पे जगह बता दीजिए, किस जगह पे? नया बानेश्वर, काठमांडू नया बानेश्वर। अच्छा, तो सिस्टर ये बताइए कि जब आप पहली बार यहाँ पे आई हैं तो जब ऑफिस गई थी यहाँ के लिए, तो ऑफिस वाले ने आपको क्या बताया था? मतलब जब पहली बार गई, आपने पूछा होगा मुझे जाना है बाहर कतर के लिए, तो कहाँ कहाँ के आपके पास ऑप्शन हैं बाहर जाने के, जो आपने कतर को चूज़ किया? हाँ, था दुबई के लिए था। अच्छा, ओमान, कुवैत, कतर, सबका था। अच्छा, बट मैंने कतर चुन लिया। अच्छा, तो आप जब आप सुना था ना? अच्छा अच्छा, और आप? मैं तो, मेरा सिस्टर बोली थी इधर में अच्छा है, तो मैं सोचा हाँ क्यों नहीं जाए, एक बार जा ही लेते हैं, तो मैं भी आ गई उसी वाइट हॉर्स वुमेन पावर से। अच्छा, तो उससे। अच्छा, ये बताओ सिस्टर, कितने पैसे लगे थे क्या ऑफिस में लिए थे कुछ आपसे यहाँ पे आने के लिए? थोड़ा बहुत। कितना लगता है? मतलब वो तो नॉर्मली लेते ही है ना, तो कितना खर्चा आ गया था आपका, एक में नॉर्मल बता दीजिए ऐसे आइडिया? 1.5 लाख खर्चा हो गया। 1.5 लाख नेपाल का करके, इधर टिकट काठमांडू आना जाना पड़ा सब। और आपका? सेम। अच्छा, तो उन्होंने क्या सैलरी आपको बताई थी और क्या काम बताया था यहाँ पे? यही बताया था, वेटर्स के लिए बताया था, सैलरी 1600 बताया था, जैसा बोला उससे। अच्छा, 1600 सैलरी बताया था, वेटर्स का काम बताया था। तो क्या घंटे ड्यूटी उन्होंने बताई थी? 9 घंटा है, 1 घंटा ब्रेक होता है। अच्छा, तो आपका वही 9 घंटे की ड्यूटी है और 1600 आपको मिल रहे हैं। ये बताइए 1600 में रूम किसका है, कंपनी का है कि आपका है? कंपनी का। रूम कंपनी। और खाना? खाना अपना है। खाना अपना? हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। अच्छा, तो ये बताओ वाईफाई सब लगा हुआ है रूम में कंपनी की तरफ से? हाँ, ट्रांसपोर्ट भी, खाना आप लोग बनाती हैं? ओनली खाना। और अपना बाहर में कुछ भी घूमने जाएंगे छुट्टी, तो छुट्टी मिलती है आप लोग को? हाँ, मिलता है वीकली वन डे। अच्छा, वीकली वन डे।
तो देखिए भाई, हम आप लोग को एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो दिखाने वाले, मेरी ये मधु बहन है ना, आपका क्या नाम है? एलिजा बहन है। देखो यहाँ पे अब मैं जो क्वेश्चन करूँगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है, देखते हैं ये लोग क्या आंसर देती हैं, और जो भी हो सही आंसर देना। आप लोग गर्ल्स है ठीक है, मीडिया में या कहीं न्यूज़ पे चलता है अरब में ऐसा वैसा, तो आप यहाँ आने के बाद आपको क्या फील हुआ, कि सेफ फील हुआ कि वहाँ सेफ था, इंडिया में या नेपाल में? नेपाल में मतलब सेफ ही है ना, इधर कतार में बहुत सेफ है, नेपाल में भी उतना ज़्यादा नहीं है, सेफ ही है, बट इधर और दूसरी कंट्री से ज़्यादा इधर अच्छा, कतार में सेफ। अच्छा, यहाँ आप लोग कैसे भी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुई? नहीं ऐसा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अब ये बताओ, महीने में अभी आपका खर्चा वो जो छुट्टी में हुए, छुट्टी के दिन अगर काम रहता है तो काम करती है तो ओवर टाइम मिलता है? लगा आती हैं छुट्टी में काम करने? हाँ, छुट्टी नहीं करती हैं? ओवर टाइम देंगे तो हम नहीं करते छुट्टी। अच्छा सही बात है, काम करने के लिए आए हैं ना। देखो भाइयों यहाँ पे कितना मतलब लगन से लोग काम कर रही हैं, छुट्टी भी नहीं करती हैं और टाइम पे ड्यूटी देती है। तो आपकी ड्यूटी क्या नाइट में? क्या 5 to 12 o'clock। अच्छा अच्छा ये बताओ, महीने में खा पी के खर्चा निकाल के महीने में कितना बचा लेती है? एक आइडिया कैसा होता है, अब हम लोग ज्यादातर तो हम लोग घूमने नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो नहीं, अच्छी बात है। 1600 सैलरी में हम लोग खाते, घूमने नहीं जाते, इसलिए 1400 सेव कर लेते हैं। 1400-1300 200 खर्चा, वो भी कंजूसी से करती हो? हाँ मालूम है, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ ना, कमाने के लिए आए। चलो हम भी आप भाई की तरह एक बात बोलेंगे, इधर ज़्यादा फालतू का पैसा नहीं खर्चा करो, क्योंकि इधर मेहनत कर रही हो, सही है ना? बात तो सही है। तो मेहनत कर रही हो तो पैसा अपना बैंक में जमा करो, अपने माँ बाप के लिए, नहीं तो अपना फ्यूचर में, जब अपने फ्यूचर के लिए, सॉरी नेपाल में जाके कुछ कर सको, सही है ना? यहाँ पे आप लोग 9-9 घंटे मेहनत करते हैं, यहाँ पे घूमना फिरना, कभी कभी घूमो खाने पीने के लिए दोस्त के साथ या फ्रेंड, और ज़्यादा इधर दोस्ती करके फ़ायदा भी नहीं, जो आपस के हैं उन्हीं के साथ रहो, सही है ना? अच्छा ये बताओ, तो ये टिकट अभी 5 महीने हो गए, कई साल में टिकट मिलता है आप लोग को आने जाने का, घर जाने का? हाँ 2 साल में 2 साल का, 2 साल के बाद टिकट है आने जाने का? एक साल में गए तो एक टिकट जाने का, आने का, एक और लोग देंगे, एक लोग हमारा होता है। अच्छा तो ये देखो, तो मेरी बहनों ने बिल्कुल साफ बात आप लोग से बताई, अब जो लड़कियां यहाँ आना चाहती हैं उनसे आप ही बताइए कि आइए, आप लोगों को अगर चांस मिलता है तो सेफ हैं और अच्छा है कि नहीं है, आप एक मैसेज दीजिए जो लोग यहाँ काम करते हैं और जो लोग आना चाहते हैं। नहीं आइए, लोग बोलते हैं ना लड़कियों को विदेश में अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अपने ऊपर होता है, आप कैसे उसमें डिपेंड करता है। नेपाल में भी होते है ना, कोई लड़कियाँ ऐसे रुलती है ना, बिगड़ती है, अपना खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे भरोसा रखो, आ जाओ, कुछ भी नहीं है, इधर बहुत सेफ है, रात को 12 बजे 1 बजे जितने भी बजे निकलो, अकेले निकलो, बहुत सेफ है कतार, और रहने के लिए बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, अच्छा लगता है हमें। अच्छा और कोई मैसेज देना चाहती हूँ और जो लड़कियाँ यहाँ काम कर रही, कैसे काम करें और मतलब? हाँ अच्छे से काम कर लीजिए, ज़्यादा कमाने के लिए आए, पैसा बचत करना सीख लीजिए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, यही है। आप क्या कहना चाहती हो? मेरा भी सेम थिंग्स है, सेम थॉट्स, और क्या है अच्छा। ना हम लोग मेनली तो लड़कियों को बाहर कमाने के लिए नहीं देते फैमिली लोग ना, तो क्या होता है अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलता है बाहर जाने का तो आप ज़रूर जाइए, फैमिली से कोई तो लड़के भी जाते हैं, तो जाने के बाद में क्या होता है ना, वो लोग अपने लाइफ से जी, हाँ वो अच्छा है, लेकिन फ्यूचर को सोच के, फ्यूचर को ध्यान में रख के हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को थिंक करके कितना अपना ड्रीम्स है ना, तो वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको जितना हो सकता है आप लोग कीजिए, आप बाहर आना चाहते हो, लेकिन सम कंट्रीज ऐसा होता है कि उधर में सेफ नहीं होता है, ओके, अरब में तो हाँ तो होता है, लेकिन आप अच्छे से कंपनी को पकड़ लीजिए और आप अच्छे से आएंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा वाला कंपनी को, अच्छा भी होता है ना बुरा भी होता है, हर एक चीज का तो होता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा होता है, तो हम लोग किस पे जाते हैं, किस पे डिपेंड करते हो हमारे ऊपर में, सो अपना आपको इन्होंने बोला जैसे, तो अपना आपको खुद का भरोसा होना चाहिए, तो आप ट्रस्ट होना चाहिए, और कहीं भी किसी भी पैसे की, जितने भी पैसे की जरूरत हो जाए, गलत कदम कोई भी मत उठाना, खुद की मेहनत पे खाना चाहिए। I'm proud of you. आपने बहुत अच्छी ये बात करी है, गलत कदम, क्योंकि कई लड़कियां ऐसे होते हैं पैसे के लिए गलत रास्ता चुनते हैं, तो मनी सब कुछ नहीं होता, अब ये बात बोलेंगे तो उसके बाद में कुछ आएगा, हाँ प्रमोशन होगा, धीरे धीरे ऊपर जाओगी। हम भी एक बात बोलेंगे, देखो यहाँ पे आप लोग कमाने आई हो, काम करने आई हो, मतलब जॉब करने,
काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी आप कर रहे हो। बट आप लोग से एक बात ये कहेंगे, अपने मम्मी पापा और भाई बहन की इज्जत, उन्होंने अगर आप लोग को यहाँ भेजा है तो आप लोग उनका कभी भी कोई अगर कोई बात करे कुछ भी तो सोचिए, एक अपनी डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रहोगी तो हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि हर चीज़ चली जाती वापस आ जाती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाने के बाद वापस नहीं आती हैं। क्या रिस्पेक्ट, मम्मी पापा का भरोसा, सही है ना? तो भरोसा कभी भी नहीं तोड़िए और अच्छे से काम करिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप दोनों से भी अच्छा लगा, अच्छा। आती रहिए इधर में। अच्छा तो दोस्तों हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोग को पता चले कि यहाँ पे लड़कियाँ जो जॉब करती हैं, देखिए कितनी मेहनत से रहती हैं और कितनी लगन से काम कर रही हैं, और यहाँ पे बहुत सेफ है, कतर में बहुत सेफ है। रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे अकेले कहीं भी जाओ, बिना आपकी मर्जी के आपको कोई टच भी नहीं करेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो अपना फ्रीडम है, अच्छे से रहो, अपना ड्यूटी करो, और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे। तो बस दोस्तों मैंने आप लोग के लिए यही वीडियो बनाई है, और दो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जिन्होंने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच, तुम लोग ने बात करी है। और भी जो लोग यहाँ पे लड़कियाँ आना चाहती है वो यहाँ पे आएँ, और देखिए हमने डायरेक्ट बात कराई, मैं जानता भी नहीं था, बस एक बार आया था आपसे, बोला था एक वीडियो बनानी है मैसेज के ऊपर, सही है ना? रात थी, आपने तो पहली बार देखा और अच्छे से बात करी। तो यही लाइव में यही है, तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे थे बहनों ने आंसर दे दिया। तो आप लोग को ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और तो आप लोग क्या कहना चाहती हो, हमारे भैया के चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, उनको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से उनका इनको इनकरेज मिलता है कि हाँ मुझको बनाना है। तो प्लीज वहाँ को इस नेपाली वर्षा तो वहाँ के चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ओके बाय। सिस्टर ये बताओ ऑर्डर कैसे लेती हो इसमें आईपैड में, मतलब क्या क्या है थोड़ा दिखा भी दो। हमारे यहाँ हमें से कस्टमर आएंगे तो हम मेनू देखेंगे। अच्छा, हमारे पास इधर एपेटाइजर से, अच्छा इंडियाला स्टिक, अच्छा हलोपिनो रिसोटो बॉल, चिकन हॉट विंग्स, फ्राइज मिक्स एंड चिकन बाइट्स, एंड हमारे यहाँ स्पेशल पिज्जा है। अच्छा तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये ऑर्डर लेती हैं।